जय हिंद एवरीवन आज इस वीडियो पर हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं यूपीएससी सी सेट के लिए 2024 के पेपर के लिए पैटर्न हमने देखा 2023 में कि कितने अलग लेवल के चैलेंजिंग क्वेश्चन आ रहे हैं परम्यूटेशन टॉपिक से कुछ मेजर टॉपिक जो यूपीएससी ज़्यादा फोकस कर रहा है जैसे कि नंबर सिस्टम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी इसके मैं बहुत हाई लेवल टफ टफ क्वेश्चन को कराने वाला हूँ जैसे आप ये कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं जैसे मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी डी एल फाइव एस टू टू थ्री फोर में हमें यह बताना है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो डी एल फाइव लिस्टिंग के अंदर आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी कैट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं आजकल फिर एक क्वेश्चन है जैसे वेरिएबल्स पे हंड्रेड बॉल्स नंबर्ड एन वन एन टू एन थ्री एन टू एन हंड्रेड आर अरेंज इन पॉसिबल वेज तो क्या होता है इस तरह के जो क्वेश्चन वेरिएबल वाले होते हैं ना इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कई बार तो क्योंकि वैल्यूज नहीं होती है तो एग्जाम का लेवल उठ रहा है ना तो इसी तरीके के हम एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करने वाले हैं परम्यूटेशन के और भी वीडियोस आएंगे ये आज बेसिक वीडियो है इस वीडियो में मैं सबसे इजी क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन तक लेकर जाऊंगा और इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें बहुत एडवांस लेवल के हम क्वेश्चन करने वाले हैं तो चलो आज की हम वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले एक क्वेश्चन बेसिक देखते हैं एक शॉर्ट रिविजन के लिए आपको क्या करना है वीडियो को जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराऊ उससे पहले पॉज करके खुद से ट्राई करना है सोल्व करके और अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा है तो फिर सोल्यूशन और अप्रोच देखो इस तरीके से करके हम सी साइड के लिए हर वो मेजर टॉपिक और थीम पे क्वेश्चन कराने वाले वाले हैं जो आने वाले हैं तो यहां जैसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ थ्री डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव एक चीज पहले ऐड कर देता हूं मैं यहां पर ये वीडियोस में हम पढ़ने नहीं वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बट सीखने वाले हैं रिवाइज करने वाले हैं और हाई लेवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं तो अगर आपको नहीं आता है तो बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज हैं आप बेसिक सीख सकते हो जाकर के ठीक है तो जैसे पहला है हाउ मेनी नंबर ऑफ थ्री डिजिट कैन बी फॉर्म डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव अब देखो बोला है क्वेश्चन में रिपीटन अलाउड नहीं है डिजिट्स का इसका मतलब है कि थ्री डिजिट नंबर ऐसा नहीं हो सकता फाइव 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 फोर थ्री फोर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए तो फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस पे जो नंबर है वो अलग होने चाहिए अब मैं अगर कहता हूं आपसे सपोज करिए फर्स्ट प्लेस है ठीक है यूनिट डिजिट है यहां पर अगर मैं फाइव रख सकता हूं बिल्कुल फोर रख सकता हूं थ्री रख सकता हूं टू रख सकता हूं वन कुछ भी रख सकता हूं बिल्कुल रख सकता हूं तो पांच डिफरेंट के डिफरेंट नंबर रखे जा सकते हैं तो यहां पर हम क्या रख देंगे फाइव फिर आओ टेंस प्लेस पर अब नंबर रिपीट नहीं होनी चाहिए तो सपोज अगर हमने लास्ट डिजिट पर फाइव रखा है तो यहां हम फाइव नहीं रख सकते हैं यहां हम क्या रखेंगे फोर थ्री टू वन में से कुछ भी रख सकते हैं तो यूनिट डिजिट पे पांच चीजें आ सकती है कोई भी पांच नंबर लेकिन टेंस प्लेस पे कोई भी चार चीजें ही आएंगी और हंड्रेड प्लेस पे क्या होगा कोई तीन नंबर ही आएंगे तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री अपन कर देंगे सिक्सटी हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसी थ्री इज इक्वल टू एनसी एट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल ठीक है तो यहां पर सबसे आसान तरीका इस तरह के क्वेश्चन को करने का है तो वो एक ही है ऑप्शन के थ्रू करो यूपीएससी में अगर हमें बहुत जल्दी आंसर निकालना है तो ऑप्शन मेथड कई क्वेश्चंस पे बहुत आसान होती है बहुत यूजफुल होती है जैसे यहां पहला ऑप्शन रख के देखते हैं हम एन पे हम रखते हैं किसको को इलेवन को तो इलेवन सी थ्री अब थ्री क्या हमारा आर है और एन क्या है इलेवन तो एन माइनस आर करो इलेवन माइनस थ्री एट आ जाएगा तो एन यानी कि इलेवन सी एट माइनस थ्री इज इक्वल टू इलेवन सी एट माइनस थ्री इक्वल हो रही है वैल्यूज क्योंकि तो एट में थ्री एड करने पर इलेवन आता है तो आंसर ही इलेवन हो जाएगा इस तरीके से ऑप्शन रखकर हम देखते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकेंड्स में सॉल्व हो गया अब चलो थोड़ा सा हम अपना लेवल इंप्रूव करते हैं ये क्वेश्चन टफ है ये क्वेश्चन जहां तक मेरे को याद है जेई में भी आ चुका है लोगों ने कहा ना 2023 का पेपर जो है उस पर जेई के भी क्वेश्चन आए हैं तो चलो चेक कर लेते हैं करके देखो तो क्वेश्चन है हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर आर पॉसिबल फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम इफ देर इज अ स्क्वाड ऑफ फिफ्टीन टू चूज फ्रॉम सच दैट सचिन तेंदुलकर इज ऑलवेज चूजन तो अब देखो सचिन तेंदुलकर को क्या कर रहे हैं हर बार चूज कर रहे हैं ठीक है मतलब 11 लोग खेलते हैं एक प्लेस तो सचिन की फिक्स है बची कितनी प्लेसेस दस प्लेसेस लोग कितने थे 14. 15 नहीं है, क्योंकि सचिन तो फिक्स है तो बचे कितने लोग हैं? तो दस प्लेसेस में हमें बचे हुए 14 को रखना है, है? तो N का मतलब हो गया हमारा 14 people. R में हमारा क्या हो गया गया? हमारा हमारा ठीक में क्या बस npr फॉर्मूला लगा दिया फोर्टीन अपॉन फोर्टीन माइनस टेन यानी कि फोर्टीन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल तो फोर्टीन इंटू थर्टीन इंटू ट्वेल्व करते करते हमको जाना है सिक्स इंटू फाइव तक आएगा क्योंकि नीचे क्या होगा हमारा फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इसको हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी वैल्यू आ रही है वन जीरो जीरो वन इंटू एलेवन फैक्टोरियल ऑप्शन में है इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया कुछ नहीं था क्वेश्चन में बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए यूपीएससी पूछ ही इसलिए रहा है प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन नंबर सिस्टम ताकि यहां बस कोई ऐसा ना हो कि कोई एक बस फॉर्मूला रटा और लगा दिया एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और ये बहुत लेंदी क्वेश्चन भी नहीं है सिंपल क्वेश्चन है बस हमें आना चाहिए चलो इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉज करके खुद से सॉल्व करो पहले देखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नाइन डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑल हैविंग डिफरेंट डिजिट वही मैंने बताया ना नौ प्लेसेस हैं फर्स्ट प्लेस पे अगर वन रखा है तो बाकी के आठ प्लेसेस पे कहीं पे भी वन अब नहीं आएगा तो देखो जो सबसे फर्स्ट प्लेस है वहां हम क्या नहीं कर सकते जीरो का इस्तेमाल नहीं कर सकते जीरो का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते क्योंकि अगर जीरो का इस्तेमाल हमने पहले ही नंबर पर कर दिया यहां पर तो ये एट डिजिट का नंबर बन जाएगा जीरो को स्टार्ट में यूज नहीं करते क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है तो बस जीरो को यहां नहीं रख सकते तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन में कोई भी नंबर रख सकते हैं नाइन तो यहां नाइन आएगा और बाकी की बची एट प्लेसेस पे अब यहां जो वन से नाइन तक नंबर आ गए वो रिपीट कोई एक नंबर वापस से नहीं हो सकता है रिपीट तो बाकी प्लेसेस पे भी हम टेन डिजिट्स यूज नहीं कर सकते सिर्फ नाइन ही यूज कर सकते हैं तो यहां पर हम करेंगे नाइन यहां एट यहां सेवन यहां सिक्स इस तरीके से जाएंगे तो बेसिकली यहां क्या बोल रहा है नाइन फैक्टोरियल यूज करने का तो नाइन फैक्टोरियल इंटू नाइन इज ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बस इसी तरीके से ना हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और चलते चलना है आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे हाई लेवल क्वेश्चन में लेकर आने वाला हूं वीडियो को उसको अच्छे देखो लाइक करो सब्सक्राइब करो इसी तरीके से हम कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाते रहेंगे अब देखो आगे है हाउ मेनी टेन डिजिट नंबर है क्वेश्चन में क्या करना है सिंपल है टेन डिजिट से पहले नाइन थी तो अब दो डिजिट बोला है कि दो एटलीस्ट दो डिजिट जो है वो इक्वल होनी चाहिए मतलब अगर जीरो है तो वो दो बार यूज हो वन है तो वो दो बार एटलीस्ट कम से कम दो बार यूज हो उससे ज्यादा भी हो सकता है समझ आया ये नहीं बोल रहा है कि एटमैक्स एटलीस्ट बोला है कि नंबर रिपीट होना चाहिए तो नंबर रिपीट कब होगा मैंने बताया जीरो को हम पहली पोजीशन पर नहीं रख सकते नहीं तो वो टेन डिजिट नंबर नहीं होगा तो इस पोजीशन में क्या आएंगे? नाइन नंबर्स। सारे डिजिट जीरो पोजिशन इनको फिक्स करो जब हम सारी पोजिशन में रख रहे हैं तो नाइन प्लेसेस पर टेन आ रहा है Into 9 नाइन नाइन इंटू टेन की पावर नाइन आ गया अब देखो अगर हम क्वेश्चन में सिर्फ इतना भी देखें तो हमारा बी ऑप्शन आ रहा है अब अब पार्ट पे भी आते हैं अब क्या करने ने? ये तो वो करेंगे जो सारी डिजिट सेम नहीं है जिसमें जब हम सारे सेम से माइनस कर देंगे जो सेम नहीं है तो हमें मिल जाएगा एटलीस्ट टू डिजिट तो अब क्या करेंगे क्यों किया क्योंकि यहां रिपीट नहीं हो रहा है एक जगह सारे रिपीट हो रहे हैं माइनस यहां कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा हमारे आंसर की वैल्यू निकल के आ जाएगी आंसर आ जाएगा बी तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया अब ये क्वेश्चन तो हो गया इसके अलावा जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाए हैं ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है नेक्स्ट वीडियो पे हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट पे मैं काम करने वाला हूं जिसमें हम प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन सब कुछ अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि एग्जाम से पहले हम इस लेवल पे आ जाएं कि सी सेट में कोई गलती ना हो हमसे तो बस अपने दोस्तों में सभी में इस वीडियो को शेयर करो और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम और एडवांस लेवल पर जाने का शुरुआत करेंगे तो बस वीडियो को लाइक करो कोई डाउट्स क्वेरीज हो तो कमेंट करो और जो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं इनको कमेंट पे आंसर करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत